What's up, everyone? This is Heather Kazmi. This is Dania Kazmi. Welcome to an amazing video of This Year in India. आ गया है फिर से एक ट्रेलर क्योंकि इतनी ज्यादा मूवीज आ रही है ना टीजर्स ट्रेलर्स प्रोमोस फन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ह्यूज होती जा रही है ऑडियंस बढ़ती जा रही है आज का जो ट्रेलर है आपने थंबनेल और टाइटल से तो नाम पढ़ लिया होगा कोंडा ट्रेलर कोंडा मूवी कोंडा ऐसे कोंडा ट्रेलर ही है आगे उन्होंने मूवी नाम लिखा हुआ है तो देखते हैं क्या होने वाला है हमने सब टाइटल्स ऐड कर लिए हैं क्योंकि अक्सर जो लैंग्वेज हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज है मदर टंग होती तो सुनने में थोड़ा इशू होता है तो सब टाइटल से हेल्प मिल जाती है फेस एक्सप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज एक्टिंग बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टोरी समझ आ जाती है कि क्या बात हो रही है क्योंकि इंटरटेनमेंट में ना अक्सर जो आर्टिस्ट इसी चीज का तो पैसा लेते हैं कि वो अपनी एक्टिंग पोर्ट्रे करते हैं कैमरे के सामने तो अगर लैंग्वेज ना भी हो इंटरटेनमेंट के हम लोग तो इतने शौकीन है रिएक्शन हो रिएक्शन देना हो चाहे मूवीज पे सॉन्ग्स पे ट्रेलर्स पे तो हम लोग कहते हैं भैया वी आर रेडी वी आर बॉर्न रेडी तो आज हम देखने लगे ट्रेलर लेकिन ट्रेलर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन ऑल पर क्लिक सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले సమాజం గురించి నీతులు చెప్పుడు కాదు బాగు చేయాలి నీకు పోయేటందుకు ఏం లేవు బానిస సంఖ్యలు తప్ప విప్లవ పోరాటాలు చరిత్రనిలాగే రైలించను పెత్తందారుల పెత్తనం భరించలేక కొంతమంది బడుగు వర్గాలు తిరగబడి మొత్తం వ్యవస్థతోనే పోరాడుతున్న రోజులవి విపరీత పరిస్థితుల నుంచే విపరీత వ్యక్తులు ఉద్భవిస్తారని కార్ల్ మార్క్స్ 180 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పాడు అలాంటి విపరీత పరిస్థితుల మధ్యలో పుట్టినవాడే కొండా మురళి నా డిసిషన్లకు నేనే బాధ్యుని కాబట్టి నా మాటే నేనంట తెలివికేం తక్కువలే పారిపోతే మళ్ళొచ్చి పోరు చేయొచ్చు మంచి కొను పోరేమో నన్ను చూడదు మంచి లేని పోరేమో నాకు చూడు బుద్ధి కాదు కొండలాంటి నన్ను కరిగించావు బండలాంటి నన్ను కరుణించావు ఎండలాంటి నాకు నీడైనావు ఎలుగు నీడలో నా తోడైనావు సురేఖమ్మ ఇంత డర్ పక్వా నీ ఒక్క విషయంలో నాకు నచ్చినట్టు నేను బతికితే అది స్వేచ్ఛ నువ్వంటే నాకు ఎంతగానో ఇష్టమో నేను నమ్మింది కూడా నాకు అంతే ఇష్టం ఒకే తల్లికి తండ్రికి పుట్టినోడిని మాట తప్పను రాజకీయ అండ లేకుండా ఏ పని చేసినా దాన్ని రౌడీజం అంటారు రాజకీయాల్లో పడి మనం నమ్ముకున్న ఉద్యమాన్ని మర్చిపోవద్దు గాడికి ఏదే గందుకు అని సంపూర్ణ పని కాదు నా బాధ్యత నా పేరు కొండా మురళి ఏ మురళి ఓకే కాఫీ జబర్దస్త్ మేనే ఇతనా ఎక్స్పెక్ట్ భీ నీ కియా థా ఇతనా ఇత్నీ బడీ కాస్ట్ ఔర్ సబ్సే పెహలే తో స్టోరీ क्योंकि आई वॉज रीडिंग द सब टाइटल्स ऐसे मतलब ऐसा होता है हार्ड रियलिटी है हमारी कि हमेशा गरीब को दबाया जाता है सप्रेस किया जाता है और जिनके पास पावर होती है अथॉरिटी होती है वो गरीब को दबाते हैं लेकिन जिनके जब गरीब एक उसमें आ जाए ना जो पुअर लोग होते हैं कि मतलब ठान लें कि हमने कुछ करना है अपने लिए लड़ना है अपने स्टैंड लेना है और कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है तो फिर वो उस टाइप की मूवी है बीच में पॉलिटिक्स है
एक्शन है, फाइट है, पुलिस इश्यूज, लेकिन सबसे हटके ना मुझे इस मूवी में एक आर्टिस्टिक फील आया है, एस्थेटिक्स का बड़ा ख्याल रखा गया, क्योंकि इसमें देखा जाए ना बहुत एक एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया, रियलिटी बेस्ड, अगर वो एक्शन है, वो रोने के सीन है, सबसे पहले वो जो लड़की है जिसने कैरेक्टर प्ले किया एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कि मतलब उसके फेस एक्सप्रेशंस और फेस लुक इतनी वो थी ना कि एज अ हीरोइन वो लग रहा है बड़ी जबरदस्त खूबसूरती है, हीरो भी अच्छा है, और लेकिन इसमें लव एंगल भी एट द सेम टाइम पे आ गया है, लड़का ये कहता है कि जितना मैं अपने आइडल से प्यार करता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बीच में थोड़े से फाइटिंग, मतलब बहुत ज्यादा इसका हम कह सकते हो एक तरह का इसका बजट बहुत हाई है, जिस तरीके से इतनी बड़ी कास्ट हायर की गई है, डिफरेंट लोकेशंस पे जाना, डिफरेंट शूटिंग सेट्स, मतलब एक्ट्रेस की पे फीस का, मतलब एक एक चीज का बहुत ख्याल रखा गया, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, म्यूजिक लास्ट में थोड़ी थोड़ी बीट्स आ रही थी क्योंकि मुझे ये ज्यादा आर्टिस्टिक मूवी लगी है और मुझे अच्छी लगी है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका कंसेप्ट भी अच्छा लगा है कि जो ओवरऑल थीम बताया गया है और उसके साथ साथ एक्टिंग भी काफी अच्छी है, वो लड़का जो हर वक्त गुस्से में क्या वो टीवी उठा के फेंक देता है और वो फ्रस्ट्रेशन है, लड़की उसको देख भी होती है, तो आई वाज थिंकिंग कि इनके एक्सप्रेशन से कितना जबरदस्त वो बताया जा रहा है, और आई होप कि ये मूवी आपको कैसी, आई होप आपको ट्रेलर आपको अच्छा लगा हो, आपका जो ओपिनियन है इस ट्रेलर से रिलेटेड वो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लड़की कहती है ना कि ये वो लड़का हमें पूछे ना ये क्या नाम है रॉडीज्म या फिर कोंडा हु कोंडा मुरली का, तो आवाज आए कि वो ये मेरे ख्याल से लड़का ही है या फिर कोई एक इसको कह सकते हैं एक पैशन है क्या कह सकते हैं, बट वो भी हिडन है, वो ट्रेलर में पूछ ही रहे होता है कि वो कौन है, एंड पॉलिटिक्स का बड़ा ख्याल रखा गया है, मुझे करेक्टर्स सारे के सारे बहुत अच्छे लगे हैं, वो जो फाइटिंग सीन्स है ना डेट्स एक्सट्रीमली दिखाया गया है, कि मतलब किसी को अगर पानी में डुबो रहे हैं तो वो पानी की वो तड़प दिखाई गई है, मारने या खून दिखाया गया है, कोई अगर फ्रस्ट्रेशन है तो आंखों के नीचे हल्के दिखाया, मतलब एक ही चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और रखना है आप अपने अपना ढेर सारा ख्याल, ट्रेलर को करें शेयर, चैनल को करें लाजमी सब्सक्राइब, ओके टेक केयर।